गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा पोषण माह शुरू हो चुका है। आज से हमने हमारी एक्टिविटीज शुरू कर दी हैं। तो जो भी हमने हमारी एक्टिविटी अभी की है, तो हमें हर रोज वो अपने डैशबोर्ड जन आंदोलन पोर्टल पे अपलोड करनी होती है। तो उसके बारे में कुछ वर्कर्स की और कुछ लेडी सुपरवाइजर्स के सुबह से मुझे फोन कॉल्स आ रहे थे कि हमें डाटा एंट्री करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं एक एक करके तो नहीं सभी को बता पाया, तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिससे कि उनको मदद मिल पाए कि डाटा एंट्री आपने कैसे करनी है। तो अभी मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगा, तो आप देख लीजिए कि आपको एंट्री कैसे करनी है और किस किस कॉलम में क्या क्या भरना है। आप सभी को आईडी पासवर्ड आपके सुपरवाइजर्स और ब्लॉक लेवल अधिकारी द्वारा प्रदान कर दिए गए होंगे, तो आप एक बार देख लीजिए लॉगिन करने के बाद आपने एंट्री कैसे करनी है। सबसे पहले आप गूगल में एंटर करोगे पोषण अभियान। पोषण अभियान के बाद वेबसाइट आएगी poshanabhiyan.gov.in। आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। उसके बाद जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी आपके पास इसका लिंक आएगा। मैं बता देता हूं कि आपको कहां पे इसके लिए लॉगिन करना है। वेबसाइट ओपन हो जाएगी पोषण अभियान .gov.in। इसमें हमने डाटा एंट्री पे जाना है और यहाँ पे हम अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर देंगे। साइन इन होने के बाद हमारे पास ऐसा डैशबोर्ड ओपन होगा जिसमें हमने हर रोज की एंट्री, इसमें महीने पूरे महीने का प्रोग्राम की एंट्री हमने इसमें करनी है। सबसे पहले मैं एक एक कॉलम करके बताऊंगा एक्टिविटी। इसके अंदर आप कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे आपकी जानकारी के लिए बताऊं मैं, इसमें हम आज सीबी कर रहे हैं, कम्युनिटी रेडियो एक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे आज हमने सुबह 1 तारीख को हमने किया प्रभात फेरी, तो आज हम प्रभात फेरी की इसमें एक एंट्री करके दिखाएंगे। इसके लिए आपको नीचे आना पड़ेगा जहां पे प्रभात फेरी होगा इस ड्रॉप डाउन बॉक्स में। तो प्रभात फेरी को आप सिलेक्ट करोगे, तो प्रभात फेरी सिलेक्ट करोगे, प्रभात फेरी के बाद आपका लेवल आएगा कि आप किस लेवल पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है आपने। तो ये आएगा आपका विलेज या आंगनबाड़ी सेंटर लेवल पे। ग्रुप अभी सिलेक्ट नहीं होगा, ग्रुप के लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद हम आते हैं थीम पे। थीम पे हमने किस थीम पे आज प्रभात फेरी की है, पोषण, ओवरऑल न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, डायरिया, कंप्लीमेंट्री फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, एनीमिया, तो जो भी हमने किया है आज का हमारा थीम था हम उसको सिलेक्ट कर देंगे जो भी था। उसके बाद हम आएंगे ऑर्गेनाइजर की, जो आपने रैली की है या जो भी आपने एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की है उसके अंदर उसको ऑर्गेनाइज करने वाला कौन कौन था। जैसे आज हमारी प्रभात फेरी सुबह की गई है, तो उसमें हमारी लेडी सुपरवाइजर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स इसके अंदर ऑर्गेनाइजर थी। उसके बाद आप डेट सिलेक्ट करोगे किस डेट से लेके किस डेट तक का डाटा है। इसमें हमने डेट भरनी है, जैसे आज 1 तारीख है तो आज 1 तारीख की ही एंट्री कर पाएंगे आप इसमें। उसके बाद आप डालेंगे टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कि आपके उस प्रोग्राम में कितने लोगों ने भाग लिया। जैसे सपोज करते हैं कि आपके पास 50 लोगों ने भाग लिया, उसमें से एडल्ट आपके पास 15 थे, मेल, फीमेल आपके पास 15 थी, तो टोटल 30 एडल्ट कैंडिडेट्स ने आप भाग लिया। उसके बाद बच्चों की बात करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि 10 मेल बच्चे और 10 फीमेल, टोटल हमारे 50 पार्टिसिपेंट्स हो गए। उसके बाद बात आती है कि हमने फोटो कैसे अपलोड करनी है। फोटो के लिए आएगा अपलोड ए पिक्चर पे आप क्लिक करोगे इसके बीच में, तो आपको फोटो सिलेक्ट करने के लिए मांगा जाएगा। तो जहां भी आपने फोटो सेव की है आप उसको ओपन कर दीजिए और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप डालोगे कि आपने किस लोकेशन पे क्या प्रोग्राम किया है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दोगे कि किस लोकेशन की फोटो है। उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए तो वो आपकी एंट्री सबमिट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपने जन आंदोलन पोर्टल पे एंट्री करनी है कंप्यूटर के द्वारा। अभी मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ, जो भी वर्कर्स या सुपरवाइजर्स मोबाइल से इस पोर्टल पे काम करेंगी तो उनके लिए मैं अलग से अभी वीडियो बना रहा हूँ जिसपे ये दिखाया जाएगा कि आप मोबाइल से कैसे एंट्री कर सकते हैं जन आंदोलन पोषण पोर्टल पे। धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करें और ये मेरा एक प्रयास है कि आप अच्छे से कर पाएं, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और हम अपना पोषण माह में अच्छे से अपनी भागीदारी दे पाएं। धन्यवाद।